क्या आपको पता है लोटस टेम्पल में कभी भी पूजा नहीं होती है, ना ही कोई आरती होती है, कोई भी क्रियाकांड नहीं होता है, ना ही यहाँ पर कोई संगीत बजता है। ईरान का एक ऐसा शख्स जिसका नाम बाहुल्ला था, जिसने अपना एक धर्म बना लिया जिसका नाम था बहाई धर्म। कैसे है दोस्तों, एक और ब्लॉग में स्वागत है। और आज मैं आपको घुमाने लेकर आया हूँ लोटस टेम्पल। जी हाँ, कमल मंदिर, जो कि दिल्ली की एक मशहूर जगह है, जिसे आप बहाई उपासना मंदिर के नाम से जानते हैं। शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, बहुत ही शानदार जगह है और एक अच्छी जगह है जिसमें अंदर मैं आपको लेके जाने वाला हूँ। तो लोटस टेम्पल आने के लिए नियर जो है कालका जी मंदिर है, कालका जी मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से आप आ सकते हो। टाइम जो है इसका सुबह 9 से लेकर शाम 6 बजे तक का है और टाइम जो है अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। और अगर मैं टिकट की बात करूँ तो निःशुल्क है, कोई टिकट नहीं है। और अभी काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है और लाइन ये काफ़ी लंबी हो जाती है। अगर मैं अभी आपको लाइन दिखाऊँ तो ये देखिए, तो फाइनली दोस्तों मैं अंदर आ चुका हूं और मैं आपको घुमाने वाला हूं लोटस टेम्पल, जो कि दिल्ली की एक खूबसूरत जगहों में से एक है। बहुत ही शानदार जगह है। यहां मैं दूसरी बार आया हूं। पहली बार जब आया था तो लोटस टेम्पल में जहां हम बैठते हैं तो वो जगह बंद थी। फिलहाल अभी भी बता रहे हैं लोग वो जगह बंद है। तो जब आप आगे चलेंगे तो आप देखेंगे ये है सूचना केंद्र, इन्फॉर्मेशन सेंटर, जहाँ से आपको बाह्य धर्म के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी, पूरा सब कुछ मिल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे ये बाह्य धर्म की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि सारा मामला जो है वो बाह्य धर्म से जुड़ा हुआ है। तो ये इन्फॉर्मेशन सेंटर अभी बंद है, बट पता चला मुझे कि मंडे से ओपन हो जाएगा और इसके अंदर आप पूरी जानकारी ले सकते हो। बुक्स वगैरह होती हैं इनकी पढ़ने की, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। और इसी के जस्ट अगर सामने देखोगे तो लोटस टेम्पल है जहाँ पर हम जाने वाले हैं। अगर मैं लोटस टेम्पल की बात करूं तो पूरी दुनिया में इसके 7 टेम्पल हैं, यानी 7 मंदिर हैं और इसमें 27 पत्तियां हैं लगी हुई। बहुत ही खूबसूरत जगह है जो मैं आपको विजिट कराने वाला हूं। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे मैंने आपसे बहाई धर्म की बात क्यों की, क्योंकि ये जो लोटस टेम्पल है ये बहाई धर्म का एक उपासना केंद्र है। क्या होता है कि जैसे मंदिर होता है तो मंदिर में ऑलमोस्ट ज़्यादातर जो है वो गैर मुस्लिम भाई बहन ही जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से मस्जिद का कॉन्सेप्ट होता है, हालांकि इबादत वाली जगह में कोई भी जा सकता है, जिस तरह चर्च का मामला है। लेकिन ये जो लोटस टेम्पल है यहाँ पर कोई भी इंसान आ सकता है। ये पहला मंदिर मैंने देखा है इंडिया के अंदर जहाँ ना कोई पूजा होती है, ना कोई आरती होती है, ना ही किसी तरह का कोई संगीत बजता है, किसी तरह की कोई क्रियाकांड या पूजा वगैरह नहीं होती है। यहाँ इसके अंदर कुछ सीटें हैं जहाँ पर 1400-1500 लोग बैठ सकते हैं और अनऑफिशियली 2000 लोग भी यहाँ पर बैठ सकते हैं, बट उस जगह को बंद कर दिया है। अगर मैं यहाँ की बात करूँ आपको बाहाई धर्म की, तो जो बाहुल्ला हैं जिनका जन्म ईरान में हुआ था, 1817 में पैदा हुए थे, 1844 में उन्होंने लोगों को बताया कि ये जो है बाहाई एक धर्म है। क्योंकि मैं लास्ट टाइम भी आया था तो काफ़ी अच्छा बना हुआ है ये, और इसकी खूबसूरती जो है इसका ये मैदान बढ़ाता है, बहुत ही शानदार मैदान है ये। और मेरे हिसाब से लगभग 5 से लेकर 6 हज़ार लोग जो है डेली यहाँ आते होंगे, शायद ज़्यादा ही आते होंगे। और जब आप मंदिर की तरफ बढ़ते हो तो एग्जैक्टली में सामने जो है यहाँ पर पहले पानी हुआ करता था, जो अब पानी शायद इतनी मात्रा में नहीं है, बट फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप करीब से देख सकते हो ये इसका मेन एंट्री हुआ करती थी, जो शायद कोविड की वजह से बंद है। तो इसके एग्जैक्टली अब 2 रास्ते हैं, एक दायां है एक बायां है, और यहाँ पर पानी हुआ करता था बट अब फिलहाल पानी नहीं है। तो ये जो रास्ता है इसी रास्ते से हम अब
आगे जाने वाले हैं जहाँ पर हमें लोटस टेम्पल पहुँचना है। तो इसका जो टाइम है वो सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे है, पर टाइम में चेंजिंग होती रहती है। तो कभी भी आएँ आप तो विकिपीडिया पर डालेंगे आप तो वहाँ से पूरी जानकारी मिल जाएगी गूगल से। और बहुत अच्छी जगह है घूमने की, काफ़ी लोग आते हैं। तो आप देख सकते हैं ये इसकी मेन एंट्री थी, बट वो गेट बंद हो गया है। और पानी यहाँ का बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ तो मैं सेकंड टाइम आ रहा हूँ, फर्स्ट टाइम आया था तो कोविड के बाद आया था, वहाँ भी सब कुछ बंद था। बंद तो फिलहाल अभी भी सब कुछ है। तो अगर आप इसको देखोगे तो चारों तरफ से इसकी सराउंडिंग इसी तरह की है कि चारों तरफ आपको इसी तरह का पानी मिलेगा और सेम आकार मिलेगा। किधर से भी आप देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे आप फ्रंट साइड पर खड़े हो। तो इसमें लोटस टेम्पल में 27 पत्तियां मानी जाती हैं। तो ये इसकी एंट्री है जहां से हम अंदर जा रहे हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि सब कुछ बंद हो चुका है, फिर भी आप देखिए ये इसका गेट है जहां से एंट्री होती है, लेकिन फिलहाल बंद हो चुका है। तो आप देखेंगे इसके अंदर सीटें हैं जिस पर 1400 से 1500 लोग बैठ सकते हैं, बट अनऑफिशियली 2000 लोग भी बैठ जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि ना यहाँ पर ना तो कोई पूजा होती है, ना ही कोई संगीत होता है, ना ही कोई आरती होती है, इस तरह की कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है। और यहाँ पर सारे लोग बैठ जाते हैं, सारे धर्म के लोग बैठ जाते हैं। और इनका जो बिलीफ है वो ये है कि इनकी जो सोच और बिलीफ ये है कि एक ऐसी जगह जहाँ पर सारे लोग कलेक्ट हो जाएँ वही धर्म कहला जाता है। तो इनके अपना बिलीफ हो सकता है, हम सबका इस मामले पर अलग बिलीफ है। मेरा काम है यहाँ की जगह को एक्सप्लोर करना। तो ओवरऑल बहुत अच्छी जगह है, बट अंदर मैंने वही बताया कि अंदर अभी अलाउ नहीं है। जब लास्ट टाइम आए थे तो भी अलाउ नहीं था, और इस समय भी यहाँ पर अंदर जाना जो है अलाउ नहीं है। बट जगह बहुत अच्छी है घूमने के हिसाब से, स्पेशली अगर मैं साफ़ सफाई की बात करूँ तो भी अच्छी है। अच्छा, होता क्या था कि 5 साल पहले मेरे दिमाग में ये था कि शायद टेंपल है तो यहाँ पूजा होती होगी, आरती होती होगी, ये चीज़ मेरे दिमाग में थी। क्या आपके दिमाग में थी आप मुझे ज़रूर बताइए, बट आज से 5 साल पहले मेरे दिमाग में चलता था। बट आई केम टू नो वाई संबंध लास्ट कुछ मंथ महीने पहले मुझे पता चला था कि नहीं, ये एक बाहाई धर्म है और एक अलग धर्म है जिसकी स्थापना जो है बाहुल्ला ने की थी, जो ईरान के रहने वाले थे। तो आप ये देखिए, बहुत ही शानदार जगह है घूमने के हिसाब से। तो आई होप दोस्तों ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अगर आप आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। अगर मैं ओवरऑल बात करूं घूमने के हिसाब से बहुत अच्छी जगह है, और कपल्स के हिसाब से भी काफ़ी अच्छी जगह है, फैमिली के हिसाब से भी काफ़ी अच्छी जगह है। साफ़ सफाई है, कोई बदतमीज़ी बेहूदगी आपको यहाँ नहीं मिलेगी। तो आप अगर यहाँ आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। नज़दीकी जो मेट्रो स्टेशन है वो कालकाजी मेट्रो स्टेशन है, वहाँ आ सकते हैं आप। और वहाँ के पास ही बराबर में जो कालकाजी मंदिर है वो भी बराबर में ही है, एक आइसकोन मंदिर है वो भी बराबर में ही है। तो यहाँ पर आपके लिए आना जो है बहुत आसान होगा मेट्रो स्टेशन से। मिलता हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।